أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم My name is Yaseen Anjum Today our topic is about lecture for 9th class exercise number 2.3 पहले उसका जो question है वो हमारे पास true और false का है उन्होंने लिखा है बल्कि पहला question है कि radical form को exponential में और exponential form को रेडिकल में चेंज करना है ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था कि अंडर रूट माइनस 64 और ये 3 है ये सारे का सारा हमारे पास है रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है हमने लिखा कि ये जो अंडर रूट के नीचे है 64 ये रेडिकेंड है और जो ये साथ में उसके आर्म पे बैठा हुआ है स्क्वायर रूट के आर्म पे बैठा हुआ है वो क्या है इंडेक्स है हमने लिखा रेडिकल फॉर्म कन्वर्ट इंटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म दरअसल वो जो इंडेक्स हुआ करता है वो 1/3 की फॉर्म में आता है -63 होल रेज टू पावर -1/3 है क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि 2 रेज टू पावर 3/5 एक्सपोनेंशियल फॉर्म कन्वर्ट इनटू द रेडिकल फॉर्म 2 रेज टू पावर 3 × 1/5 हमने 2 रेज टू पावर 3 को रहने दिया और जो हमारे पास 1/3 की फॉर्म में था 1/5 था हमने उसे क्या इंडेक्स बना डाला है तो लिहाजा 2 रेज टू पावर 3 अंडर रूट ये 5 रहा है हमने इसे 2 चूँकि 3 था 3 एक्सपोनेंट है और ये 2 जो है 3 टाइम्स आ रहा था इसलिए हमने इसे 2 × 2 × 2 करके 2 × 4 × 2 = 4 × 2 = 8 बनाया है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहते हैं कि y^-2/3 था इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हमने इसे 1/y^-2/3 किया है इज इक्वल टू 1/y^-2 × 1/3 हुआ अब 1/3 हमने इंडेक्स बना करके y^-2 ही बनाया है t is for true एंड f is for false क्वेश्चन हम उसने बताया है कि 2^2/3 इज इक्वल टू 4√3 था यूं कि उसने कहा कि ये ट्रू है ये फॉल्स हमने इसे देखा 2^2 × 1/3 2 चूँकि उसकी पार 2 है लिहाजा हमने उसे 4 बनाया 4 × 1/3 आया है 1/3 को हमने उसे इंडेक्स की शक्ल में लिखा 2^2 की पार 3 है तो लिहाजा ये क्या है ट्रू है फिर उन्होंने लिखा कि x√x(27, 3) = x^3 हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा x^27 × 1/3 कर दिया 3 × 1 = 3, 3 × 9 = x^9 = x^3 तो ये गलत है फॉल्स लिखा है सिंप्लीफाई द रेडिकल एक्सप्रेशंस हमने उसे मुख्तसर करना है अंडर रूट -125 इंडेक्स हमारे पास 3 था एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हमने इसे रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है 125 को फैक्टराइज करते हुए -5 × 5 × 5 √3 - 5 × 5 √3 आया 3 से कटने के बाद हमारे पास आंसर -5 आया है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था √32 इंडेक्स हमारे पास 4 है रेडिकल फॉर्म कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 32 को हमने फैक्टराइज करते हुए 2.2.2.2.5 टाइम्स लिखा है अब हमने उसकी चूँकि इसका इंडेक्स 4 था तो लिहाजा हमने इसका 4 पेयर अलग बना लिए 2^4 × 1/4 आया है और ये अकेला जो रह गया था 2^1/4 अलग से है इससे कट जाने के बाद 2 √2 की पार 4 आई है नेक्स्ट हमारे पास है √3/32 में चूँकि ये अकेला 3 है लिहाजा इसके पेयर ना बनने की वजह से हमने उसे एज इट लिखा है 32 को फैक्टराइज करते हुए उसे 5 टाइम्स लिखा 5 टाइम्स की वजह से 2^5 इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख करके 1/5 लिखा है 5 से कटा तो हमारे पास क्या है √3/2 आ रहा है लास्ट क्वेश्चन हमारे पास −8/27 √ उसका इंडेक्स 3 था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा रेडिकल फॉर्म थी हमने उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा इसे फैक्टराइज किया −2/2/2/27 फैक्टराइज करते हुए 3.3.3 की ताकत 1/3 आई है 2 चूँकि 3 टाइम्स था लिहाजा 2 और 3 को होल पार में 3 लिखा है 1/3 आया 3 से कट जाने के बाद −2/3 था
अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।